सो गाइस, क्या वाकई में ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी वापसी करने वाले समर स्लैम 2021 में साथ साथ बात करेंगे उस एक्स WWE सुपरस्टार के बारे में जो कि बहुत जल्द AEW के साथ साइन कर सकता है। बिगी के कैश इन प्लान्स के बारे में जानेंगे और बात करेंगे RK ब्रो के बारे में। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मसाला होगा, इसे एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट कर लेते ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। अब गाइस, हमें पता है कि कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE ने रिलीज़ कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था एज पार्ट ऑफ द बजट कट्स। बट गाइस, यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आई है और रिपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन फैंस को खुश कर सकती है। अब खुश क्यों कर सकती है गाइस? यहाँ पे रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को बहुत जल्द WWE रिहायर करने वाली है। और ये पॉसिबल क्यों है, हमें पता है 90 डेज जो है नॉन कम्प्लीट क्लॉज होता है, यहाँ पे नॉन कम्प्लीट क्लॉज जिसके तहत जो है ब्रॉन स्ट्रोमैन कहीं भी कम्पीट नहीं कर सकते या फिर कोई भी और कंपनी के साथ साइन नहीं कर सकते। तो स्टिल वो इस चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में जो है WWE उन्हें वापस से साइन करना चाहती है। और इसके पीछे का रीज़न दोस्तों बहुत शॉकिंग है। रीज़न ये निकल के आया है दोस्तों, वो नहीं चाहती है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है AEW के साथ साइन करे, जस्ट बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है बहुत क्राउड को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो बहुत शॉकिंग रीज़न है, बट कहीं ना कहीं सही रीज़न है। बढ़ते नेक्स्ट स्टोरी पे, बात कर लेते हैं किसे साइन करने वाली AEW। तो दोस्तों यहाँ पे ये है एक्स WWE सुपरस्टार और दोस्तों इनका नाम है बडी मर्फी, या फिर हम इन्हें सिर्फ मर्फी भी कह सकती हैं। अब ये चीज़ सामने निकल के आई है कि 31st August को जो है मर्फी का नॉन कम्पीट क्लॉज जो है ख़त्म हो जाएगा ऑफिशियली। और हमें पता है कैसे उन्हें भी जो है बजट कट्स के तौर पे जो है रिलीज़ कर दिया गया था WWE की तरफ से। तो ऐसे में ये खबर निकल के आ रही है कि AEW के जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, मतलब ऑफिशियल मेंबर्स है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मर्फी को साइन करने में, जस्ट बिकॉज वो ऐसा सोचते हैं कि मर्फी बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं AEW के लिए। और हमें पता है दोस्तों ऑलरेडी कि AEW कितना कीन रहती है एक्स WWE सुपरस्टार्स को साइन करने के लिए। तो ऐसे में बहुत बड़ी खबर है मर्फी के लिए भी। बात कर लेते दोस्तों RK ब्रो के बारे में। अब गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो गाइज, हमें पता है 21st June के बाद से जो है रैंडी ऑर्टन कहीं गायब हो चुके हैं और कहीं भी उन्हें देखा नहीं जा रहा है। उन्हें कम्पीट भी करना था दोस्तों ट्रिपल थ्रेट मैच में, क्वालिफायर मैच जो कि था मनी इन द बैंक के लिए, बट वो हमें वहाँ पे भी देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट निकल के रैंडी ऑर्टन को लेके, और यहाँ पे ये चीज़ सामने निकल के आई है कि रैंडी ऑर्टन जो है 2nd August मंडे नाइट रॉ जो कि हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर रैंडी ऑर्टन अपनी वापसी करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों यहाँ से जो है फाइनली हमें एक स्टोरी बिल्ड होती हुई नजर आएगी जो कि लीड करेगी यहाँ पे RK ब्रो वर्सेस AJ स्टाइल्स एंड ओमास फॉर दी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला आने वाला कुछ समय RK ब्रो के लिए। फाइनली बात कर लेते हैं बिगी के कैश इन प्लान्स के बारे में। सो गाइज, मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि कैसे बिगी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है हमें रोमन रेंस पे कैश इन करते हुए नज़र नहीं आएंगे, और ये बात कहीं ना कहीं खुद कंफर्म कर दी बिगी ने। तो रिसेंट इंटरव्यू में दोस्तों उनसे इस पे सवाल पूछा गया, जहां पे बिगी ने अपने कैश इन प्लान्स के बारे में बताया। ऑल्दो उन्होंने रोमन रेंस के बारे में बहुत तारीफ की, बट दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कह दिया कि वो मोस्ट पॉसिबली जो है बॉबी लैशली पे कैश इन करके WWE चैंपियन बन सकती हैं। अब गाइज, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। पे हमें पता है कि कैसे जो बॉबी लैशली, उन्होंने पूरी तरह से कॉफी किंगस्टन को डिसमेंटल कर दिया था मनी इन द बैंक में। सो गाइस, इस चीज का रिवेंज लेते हुए पॉसिबली बिगी कैश इन कर सकते हैं और हमारे नए WWE चैंपियन बन सकते हैं। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है और इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नए अपडेट मिस ना करें।